बात कुछ ऐसी होगी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बात कुछ ऐसी है कि आज हमारे परिवार के कंसू नाम का लड़का, तो उसका तिलक आने वाला है, यानी कि उसकी शादी होने वाली है। तो शादी से दो चार दिन पहले एक तिलक का प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, तो वही प्रोग्राम है, तो उसी में हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहित भी आ चुका है और साथ में यहाँ पर बेटू तैयार हो रहा है, अपना क्रीम पाउडर सब लगा रहा है। इसके बाद बस हम लोग निकलेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह सब लोग लेंगे टोपा और साथ में जर्सी भी पहनेंगे। यहाँ पर पाउडर क्रीम सब कुछ लगा रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा। बस तुम ही लोगों का तिलक चढ़ने वाला है। मोहित ध्यान देना, बेटू तुम भी, बड़े तो तुम। काफी दिनों से चश्मा नहीं लगाते, तो आज लगाने वाले हैं चश्मा, साथ में देखते हैं कैसे लगेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, लगा के जाऊंगा। अगर नहीं लगेगा तो यहीं पर चश्मा घर पे रख के ऐसे ढेर में चला जाऊंगा। और फिर लगा लेते हैं अपना टोपा, जो टोपा बहुत अच्छी चीज है, ठंडी ना लगे। ठंडी लग गई तो दिक्कत होगी, दवाई करानी पड़ेगी, दवाई के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए टोपा लगाना बहुत जरूरी है। ये लग गया अपना टोपा, मैं अच्छा लगूं या ना लगूं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे ये चाहिए कि हाँ ठंडी ना लगे, ठंडी से बचाव बहुत जरूरी है। अभी एक आपको शक्तिमान को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है शक्तिमान, इसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो ये टोपा वो कुछ लगाने वाला है, तुम मोहित लगाओगे टोपा? हाँ। कहाँ लिए हो? पेट में, देखा आपने, ये पेट में टोपा लिए रहता है। इतनी ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा खुशी कि ये जो इसकी नोजल होती है सामने वाली, इसको मैं पीछे करके यहाँ पे ऐसे करके स्प्रे मार रहा था, पता चला कि मेरे उंगली में लगा रह गया, सामने तो आया नहीं। तो गाइस हमने स्प्रे भी लगा लिया, यानी कि फोग लगा लिया है। अब चलेंगे वहाँ पर उस पार्टी को, देखेंगे कि आखिर कैसा वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो तक पास नहीं होता उसे दिमाग कहते हैं। अरे बाप, हम चश्मा लगा के नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर चश्मा लगा के गए, क्योंकि नॉर्मली मुझे चश्मा लगता नहीं है, यानी कि डॉक्टर भी सजेस्ट नहीं किया है। तो अगर मैं चश्मा लगा के गया तो वहाँ पर लोग बोलेंगे कि वाह ये फैशन दिखाने आया है। और गांव में देखिए सब कुछ बहुत अच्छी चीजें नहीं है, यानी कि बहुत बुरे बुरे लोग भी होते हैं और अच्छे भी लोग होते हैं, इसलिए फिलहाल हम ये चश्मा कैंसिल करते हैं। मोहित इस चश्मे को यहीं पर तुम रख दो, बंद करके अच्छे से, इसे सिर्फ यूज करेंगे तब मोबाइल चलाएंगे, यानी कि वीडियो एडिट या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर जब भी चलाना होता है तब। तो चलिए अब चलते हैं गाइज। अभी हम हैं अंधेरे में, अंधेरे होने का कारण ये है कि चलिए अभी थोड़ा सा आपको कुछ दिखाते हैं। ये हमारा फोन, ये देखिए मैं अंधेरे में खड़ा हुआ हूँ, साथ में यहाँ पर मोहित। ये हमारे द्वार पे सोलर पैनल लगा हुआ है, पंचायत की तरफ से ये बंद है, इस वजह से रोशनी नहीं है। तो अभी फिलहाल ये देखिए मैं ऐसे ब्लॉग भी बना सकता हूँ, एक झलक हमारे घर से वहाँ तक की, जहाँ अभी हम लोग। चलिए चलते हैं यहाँ जहाँ तिलक चढ़ा, थोड़ा वहाँ साथ में पर हंसमुख बच्चा क्या देखने आवाज। घूम जाए ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे खाना परोसने के लिए सब कुछ निकल चुका है। नाम बता दे क्या? तो गाइस अभी सबको खाना खिला दिए, अभी मेरा सर दर्द करने लगा तो मैं अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा, इसका खाना खाऊंगा। गाइस रात के 10:45 हो चुके हैं और मैं आ चुका अपने घर में, मम्मी को आवाज लगा और मम्मी शायद सुन नहीं रही, तो अभी क्या करेंगे हम फोन लगाएंगे। तो आ चुके हैं अपने रूम के पास,
इस दरवाजा खोलने में काफी समय लगा, यानी कि 10 मिनट लग गया, क्योंकि भाभी लोग सो गई थी। मैं तो अपनी मम्मी को फोन लगाया पापा वाले नंबर पे, फिर पापा फोन उठाए, फिर इसके बाद मतलब दोबारा से खोलना पड़ा। तो अभी देखिए हम आ चुके अपने घर पे, और वहां पर जो मैं गया आपको दिखाया था कि जब पहुंचा तभी से काम करने पे लग गया था, क्योंकि वहां पर काम करने वाले मुझे दिख नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं इनकी हेल्प कर दूं, क्योंकि अपने परिवार का सवाल था, नात रिश्तेदार थे और गांव के लोग भी थे, तो काम बराबर हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैं खुद जिम्मेदारी उठाकर वहां पर सभी को पानी पिलाया, साथ में खाना पीना जो भी सब कुछ व्यवस्था होती है वो किया। इसके बाद मेरा सर भी दर्द कर रहा था, इसके बाद भी मैं पूरी मतलब जैसा कि अपना काम होता है, अपना घर का काम होता है, सबकी जिम्मेदारी के साथ स्वागत करना, खाना पीना कोई छूटे ना, वो सब किया। इसके बाद थोड़ा रेस्ट किया वहां पर, फिर इसके बाद क्या किया कि खाना खाया, और फिर खाना खाने के बाद थोड़ा और तिलक का प्रोग्राम देखा, अभी आप देख ही होंगे। तो अब देखिए क्या हुआ कि अब हम आ चुके अपने घर पे, और अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, तो मैं अब लेटूंगा, अकेले यहाँ पर सोना है अपने को, वो अपना फोन लैपटॉप सब कुछ पड़ा हुआ है, कल कब सर दर्द भी है सर पे, तो बस अब रेस्ट करना है, बाकी कुछ काम नहीं। तो आई होप दोस्तों हमारा ये छोटा सा व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब इस व्लॉग को करते हैं पर समाप्त, मिलते हैं फिर आपके साथ पुनः से एक और नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।